तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जिन भाइयों ने ये सुपर कैम एक्स खरीदा है, ये वाला ये मॉडल, जिनके पास भी अगर वो सेटअप नहीं कर पा रहे, सेटअप किस तरह से इसका कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से सिर्फ एक मिनट में, चलिए आप वीडियो पर इसी तरह बने रहें। और जो मेरे भाई चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन आ रहा होगा उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द मिल जाए। तो टाइम ना खराब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज फिरोज सर हमारे साथ हैं, ये हमें बताने वाले हैं कि इस क्वालिटी कैमरे का सुपर एक्स का कैसे सेटअप करते हैं अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप या लैपटॉप में, जैसे भी करते हैं। तो सर आज हमारे साथ हैं, ये हमें बताने वाले। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो उसमें आपको इस तरह का एक छोटा सा पेन ड्राइव मिलेगा और ये पेन ड्राइव बहुत ही कीमती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर आपको इसका सेटअप मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क आता है, नेट फ्रेमवर्क, वो दोनों आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं इसे लैपटॉप के साथ लगाता हूँ और आपको बताता हूँ, तो बने रहिए पूरा वीडियो के एंड तक। यहाँ पे इस तरह से इसे पेन ड्राइव को हम USB लगा लेते हैं और यहाँ पे जैसे ही ये लगाएंगे आप तो इस तरह के दो आपको फाइल देखने को मिलेंगे। एक है इसकी यूज़ ट्यूटोरियल, इसके अंदर आपको उन्होंने वीडियोस दिए हैं, फोटोज़ दिए हैं कैसे आपको यूज़ करना है, तो एक बार आप इसे भी देख सकते हैं। और दूसरी जो फाइल है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक रीडमी करके एक फाइल मिलेगी और दो फाइल इंपॉर्टेंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नेट फ्रेमवर्क 4.6.1, अगर ऑलरेडी आपके पास ये इंस्टॉल है तो आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नीचे जो इसका सेटअप है जो कि वर्जन 6.1.2 ये वर्जन है, तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, राइट क्लिक करना है, इसे ये एक्सट्रैक्ट करना है आपको, चाहे आप 7-Zip से करिए या विनराइड से करिए। ये देखिए इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है, अगर चाहो तो आप इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एक्सट्रैक्ट होने के लिए और उसके बाद आपके अंदर इसके EXE फाइल मिलेगी, उसे आपको सिस्टम में रन कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा एक नेट फ्रेमवर्क। और इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं इसका सेटअप है, तो सेटअप को भी सेम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का एक सेटअप मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके पास नहीं है तो राइट क्लिक करिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए, ये वाली आपका सेटअप आपका चल जाएगा। बस ये EXE फाइल है, वन क्लिक आपको करना है, उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और इस तरह का एक आइकॉन बन के आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आइकॉन आपको खोलना नहीं है फ्रेंड्स, ये अगर आप खोल जाएंगे तो इसमें आपका कैमरा कनेक्ट होने वाला है नहीं, तो आपको जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में सब कुछ बता दिया है, सी ड्राइव में जाके आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल सेकंड में जाना है, तो यहाँ पे कैनली का एक सेपरेट सा फोल्डर बनेगा, इसके अंदर आना है आपको, सुपर कैम एक्स में जाना है और यहाँ पे PCB इमेज फाइंडर करके यहाँ पे नीचे लिखा है, ये वाला आपको सेटअप खोलना है, PCB डायग्नोस। जैसा आप देख सकते हैं PCB डायग्नोस आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैमरा आपका कनेक्ट होना चाहिए और उसके बाद आप सर राइट क्लिक करके रन कर लीजिए। यहाँ पे कैमरे को ऑन रखना है आपको, यहाँ पे स्विच दिया गया है, ब्लू लाइट जल जाएगी और ऑन होने के बाद राइट क्लिक करके इसे भी रन एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए, उसके बाद आपका कैमरा बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगा, ग्रीन कलर का यहाँ पे सिंबल आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं PCB वगैरह कुछ भी रखना है इस तरह से, तो बहुत ही आसान है। फिर भी आपको दिक्कत आती है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे सर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू गैजेट नगरी चैनल को और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।